हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में फ्लैश लाइट जो है वो वर्क नहीं करता है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आपके फ़ोन में, जो यहाँ पे फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है काम नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइज आप सभी लोग अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन के ये जो सेटिंग का एप्लीकेशन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे में क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लियर डाटा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर लेनी है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, हो सकता है आपने गलती से कुछ सेटिंग्स वगैरह करी होगी जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ कर लेना है सिंपली से। तो यहाँ पे जैसे ही लॉन्ग प्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप जो है पावर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने फ़ोन को ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, ये सारी चीज़ें को आप जो है आप अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन का ऑप्शन आएगा, या तो फिर जो भी आपका फ़ोन है तो यहाँ पे उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपको अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप जो, अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो यहाँ पर आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।